हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सोचते होंगे हमेशा मैं इस पर्दे के पीछे वीडियो, मतलब पर्दे के आगे क्यों वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है रीज़न कि यहाँ इस वाले रूम में थोड़ा शांति रहती है, बाहर वाले रूम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो और डॉगी भी है साइड में, बहुत चिल्लाता रहता है, तो इसमें थोड़ा कम आवाज़ आता है, इसलिए मैं यहाँ वीडियोज़ बनाती हूँ। और कोई पर्पज़ नहीं है तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है, प्लीज़ 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 वीडियो लंबी, क्योंकि वीडियो मैं एक ही बनाती हूँ। बट कहते हैं ना, जब बातें आपको रखनी हो, कुछ ऐसे जाहिल लोगों को अपनी बातें बतानी हो जहाँ आपको एक्सप्लेन करने की चीज़ें नौबत आ जाए, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो फिर इन जाहिलों को समझ में नहीं आता है कि ये लोग, मैं खासतौर पर मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, पहले तो मैं कभी किसी को पहले से उंगली नहीं करती। तो सुन रजनी, तूने मुझे पहले से उंगली की है, तूने मेरी वीडियो को अपने वीडियो में ऐड किया। पहली बात ये बता, मैंने तेरे पे आज तक कुछ बोला नहीं, बोला ना, इवन एक दो बार मैंने तेरा वीडियो भी देखा था, बट मुझे कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगा कि मैं तेरे ऊपर कभी वीडियो बनाऊँ। बहुत सारे मौके आए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी कि मुझे लगा था कि मुझे वीडियोज़ बनाना चाहिए, बट मैंने तुझे पर्सनली कभी अटैक नहीं किया। और ना ही पता है मुझे, जब कोई वीडियोस कुछ चीज़ें जाननी होती है ना, तो मैं जो तुम्हारी लीडर है ना, मैं उनकी वीडियो सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी, तुम लोगों की 10 लोगों की वीडियो सुनने से बेटर है कि मैं उनकी एक वीडियो सुन लूँ और मुझे समझ में आ जाए कि वो क्या बोलना चाहती हैं। मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट है उनके लिए, कोई मेरा पर्सनली दुश्मनी नहीं है ना तुमसे ना किसी और से। ठीक है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी। और एक और हैं दीदी, दीदी बोल रही हूँ, जो ना तो तुम्हारे ग्रुप से हैं ना ही हमारे ग्रुप से, क्योंकि अब ग्रुपिज्म हो ही रहा है तो बोल ही देती हूँ। बट वो बोलती बहुत अच्छा है, थोड़ा लाउडली बोलती हैं पर बहुत अच्छा बोलती हैं। तो अगर आप लोगों में दिमाग हो तो उनकी वीडियोस भी देख लीजिए, वो सब लोगों से अलग रहती हैं, बट हाँ चीज़ें ठीक बोलती हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये बात तो होगी क्लियर। अब इस रजनी, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला था, ठीक है, पर तुम्हें पता नहीं क्यों इतनी चुल मची हुई थी मुझसे पर्सनली अटेंशन लेने की, क्योंकि तुम्हें लगा था ना मैंने उसको अटेंशन दे दिया था, तो अभी उसकी वीडियोस चलने लग गई हैं, तो उसको तुम्हें लगा कि अब मैं सोनिया को फिर छेड़ती हूँ तो मैं फिर, तुम्हें अटेंशन मिलेगा, तुम्हारे व्यूज़ आएंगे। तो अगर तुम अटेंशन की वजह से ये सब कर रही हो तो बेशक कीजिए, रोज़ाना मुझ पर 2 वीडियो बनाइए और गाली दीजिए, और हो सके तो जो 50,000 अपने बालों में खर्च किए हैं ना, उसमें से कुछ एक इंसान को तनख्वाह दीजिए, सैलरी दीजिए, और उससे भी गाली दिलवाइए, क्योंकि मैं उस गालियों को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जो कुछ भी बोलोगी वो आपके पास ही वापस जाएगी। अब मैं बताती हूँ, मैंने उस लड़की को, यहाँ जो रोस्टिंग आप बोल रहे हो, मैंने उस लड़की को इसलिए वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, क्योंकि उसने मुझे पर्सनली टैग किया था। उससे पहले उसने मुझे कभी वीडियो में टैग नहीं किया था, उसने मुझे टैग किया, उसने मुझसे अकॉर्डिंग कुछ बातें बोली जो कि वो मुझे बोलना चाह रही थी, तो फिर मैंने उसको उस चीज़ का जवाब दिया। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन बाद में आएगा, और जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जबकि मेरा तो उसको रियल में, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं था कि क्या है क्या है क्या नहीं है। उसने मेरी वीडियोस कम्युनिटी में देखी होंगी, तो उसे लगा कि मैं इसको भी अटैक करती हूँ, तो उसने मुझे किया। फिर उसकी ही वीडियो से एक लड़की और आई और उसने मुझे पर्सनली बोला कि ये है वो है, तो मतलब वो अपनी, देखिए मैं यहाँ कभी किसी की लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ाती, क्योंकि लैंग्वेज सबका अपना अपना होता है, अपना बोलने का तरीका होता है, कोई नहीं। बट आप किसी को गलत वे में पर्सनली हर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो इंसान भी गूंगा नहीं है, वो अपना ज़रूर उस चीज़ के लिए रिएक्शन देगा। ठीक है, अब ये है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे, अगर ये थोड़ा ना कि उसने मुझे गाली दी तो मैं भी यहाँ छाती पीटना स्टार्ट कर देती उसी की तरह, और उसी की तरह उसको बोलना स्टार्ट कर देती, नहीं मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू इट। लड़की ने मुझे बहुत बहुत गलत बोला, ठीक है, तब मैंने उसको जाके बोला था छपरी, मुझे भी कोई बोलने का, कोई ये मेरे को क्या, मुझे क्या उसको गलत बोलने का शौक था। उसने अगर मेरे ऊपर कुछ बोला, अगर वो मेरे फोटो के साथ कुछ खिलवाड़ करेगी, तो मतलब ये है कि तुम लोग बोलो और हम लोग उस चीज़ का आंसर भी रिप्लाई ना करें। क्यों क्यों हम आपका आंसर रिप्लाई नहीं कर सकते? अगर आप मुझे फालतू में पॉइंट आउट करोगे, मैंने कहा मेरी आवाज़, मुझे अगर अलका दीदी का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है, मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, तो दैट्स मीन्स आप मुझे टारगेट करोगे। क्या मैंने आपको टारगेट किया? नहीं किया। ठीक है, आपने
आप मुझे कंटिन्यू बेवकूफ 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 औरत बोलती जा रही, तो सुन जाहिल औरत और गटर छाप मैं तुझे बोलती हूँ। अब ये बता, तुमने बेवकूफ बोल रही थी तो अब मैं तुझे गटर छाप बोला तो तुझे कैसा लगा, कैसा फील हुआ? अगर वो लड़की मुझे क्या बोल रही थी, जो भी बोल रही थी देख लेना, मैं अपने मुंह से उन वर्डों को रिपीट नहीं करूंगी। अगर वो मुझे बोलेगी तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो कि मैं उसकी आरती लेके थाल की आरती लेके उसकी पूजा करूँ? तुम कर सकती हो, जब तुम्हारे ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला तब तुम रिएक्ट कर सकती हो। अगर वो लड़की मेरे ऊपर कुछ बोल रही तो मैं रिएक्शन भी नहीं दे सकती, बिकॉज क्योंकि मैं अलका दीदी के सपोर्ट में हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे भी टारगेट करोगे। किसने अथॉरिटी दी तुम्हें? और हाँ, मैं पता है यार, मुझे पता नहीं इन लोगों को इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, इतनी लंबी वीडियो करनी पड़ती है इन बेवकूफ लोगों के लिए, फिर कहते हो, फिर भी इन लोगों के माइंड में ना, कहते हैं ना, फिर भी नहीं घुसता है। मैंने कब अपनी फैमिली की पोजीशन का तुम लोगों को बताया? तुम लोगों को पता है मेरे घर में किसकी क्या पोजीशन है? कभी तुम्हें लोगों को बताया मैंने? कभी शेयर किया तुम लोगों के साथ? मैं नहीं करती, उनकी जॉब उनके लिए है। अगर मैं इस चीज पे होती तो मैं आप लोगों को जरूर बताती उस चीज के लिए कि हाँ मेरी ये पोस्ट है। मैं अपने हस्बैंड, ग्रैंड फादर, इवन जो भी है मेरे घर में, मैं उनकी यहाँ पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकती। क्यों दूं मैं? क्योंकि वो उन लोगों ने अर्न किया, मैं उन चीजों को यहाँ नहीं लेके आती। अगर मैंने उन लोगों को यहाँ लेके आई थी तो उसने बोला था कि तेरी लैंग्वेज इतनी गंदी है तेरे, तो मैंने कहा कि मेरे घर में ये वर्ड नहीं बोले जाते, क्योंकि मेरे घर में डिसिप्लिन से बातें रखी जाती हैं, एक वर्ड में बात रखी जाती है। मेरे घर में ये वर्ड, या जो रोस्टिंग में उसने, रोस्टिंग करना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट रोस्टिंग को रोस्टिंग के हिसाब से किया जाए, ना कि पर्सनल हर्ट करने के हिसाब से किया जाए, ठीक है? मैंने कभी मना नहीं। अरे रोस्टिंग क्या वो अकेली कर रही है इस चैनल पर? रोस्टिंग कितने सारे लोग नहीं कर रहे यूट्यूब पर? इवन मुझे भी रोस्टिंग करने का शौक है, बट रोस्टिंग करो, हेल्दी रोस्टिंग करो। अगर आप गलत वे में भी रोस्टिंग कर रहे हो तो ठीक है, बट जब आपको लगे कि हाँ चीजें सेंसिटिव हो सकती हैं, किसी इंसान को बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है, हम इस इंसान को जानते नहीं है, इसके बारे में पहचानते नहीं है, या इसकी जो लाइफ है यूट्यूब पर नहीं है, तो हम इसको कैसे रोस्ट कर सकते हैं? रोस्टिंग होता है कि हाँ ये इंसान गलत काम कर रहा है, कुछ ज्यादा गलत मैसेज दे रहा है सोसाइटी को, उसके लिए एक हंसी मजाक में एक बात कही दी जाती है। तो तू सुन पहले, गटर छाप, तू सुन पहले, पहले इसकी वीडियो जा देख के आ, और फिर उसके बाद तू मुझे अपना भाषण दे, क्योंकि मैंने तुझे पहले से उंगली नहीं की थी और तू आई मेरे बीच में पहली बार। तूने मुझसे क्या कहा कि पढ़ लिख के आओ, तो अगर तूने मेरी वीडियो पूरी देखी हो तो तुझे पता होता कि मैं एक टीचर भी थी, क्योंकि तुम लोगों की मूर्खता तो यहीं से शो हो जाती है कि वीडियो पूरा नहीं देखते हो और बात करना स्टार्ट कर देते हो। और सुन, मैं तेरी वीडियो भी नहीं देखने वाली थी, वो तो मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं तेरी वीडियो के भी नहीं देखने वाली थी, वो तो पता नहीं। फिर मैं सोचा अरे देख लेती हूँ क्या है, शायद मुझे लगा कि जो लड़की थी जिसका तूने वीडियो डाला, फोटो लगाया था, तो मैंने कहा उस लड़की को भी तूने थंबनेल पर डाला था, तो मैंने कहा हाँ इससे भी कुछ रिलेटेड हो सकता है, तो सुन लूँ। बाद में पता चला कि तूने मुझे भी ऐड किया है। पता है तुम लोग इतना हम लोगों को डिजर्व तो मतलब इतना योग्य तो मानते हो कि हमारी वीडियोस अपने चैनल पर लगाते हो, बट मैं सच्ची बता रही, तू मेरे लिए निल है निल। मैं तेरी वीडियो के चलते क्या फोटो के कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस तेरा नाम बोला है जिससे तू समझ जाए कि वीडियो तेरे लिए है। फिर इसने मुझे बताया मेरी बालों के लिए बोला, जैसे मैंने उसे बताया था कि मैंने अपने बालों पर 5,000 रुपीज खर्च किए, तो इसने बोला हमने 50,000 खर्च किए हैं और हम कराते आ रहे हैं। तो सुन, मैंने नहीं कराया, मैंने फर्स्ट टाइम ही कराया था, जो कि ये लड़की मुझसे बोल रही थी कि तू मेरी जैसी हेयर स्टाइल कर ले और तू कर ले ये सब काम, उसने ऐसे बोला था। तो मैंने कहा बहन, मैंने अपने बालों में स्मूदनिंग कराई थी, जो कि मैं क्यों करूँ जब मैंने बाल अपने ठीक कराए थे, मतलब अच्छे कराए, मैं बता तेरी जैसी छपरी स्टाइल क्यों करके घूमू, मैंने ये बोला था। फिर भी इसका, इस लड़की का जो है जिसको मैं रोस्टिंग करती हूँ, उसका और मेरा चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी थी, ना उसने मुझ पर कुछ बोला ना ही मैंने कुछ उस पर बोला, हमारे दोनों के बीच शॉर्ट आउट हो चुकी थी, बट तुझे चुल हुई इसलिए तूने मेरी वीडियो को उठाया और तूने मुझसे अटेंशन लेने की कोशिश की। क्यों, तुझे क्यों मुझसे अटेंशन चाहिए था? तुझे भी सुनना था, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि हम लोग बिलो टू बेल्ट जा सकते हैं, ये लड़की नहीं जा सकती। तो हाँ ये सच है, मैं बिलो टू बेल्ट नहीं जा सकती, और मुझे पता है इस वीडियो के बाद तू जो भोंकना स्टार्ट करेगी ना अपनी गंदी लैंग्वेज में, तो तू भोंक, मुझे तू डिजर्व ही नहीं करती कि मैं तुझ पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, बट इसलिए बनाया कि तू मुझसे अभी अटेंशन मांग रही थी, चिल्ला चिल्ला के मांग रही थी कि तूने मेरी 3-4 क्लिप्स लगाई, पर तू ये भी डिजर्व नहीं करती कि मैं तेरे एक फोटो भी चिपकाऊं, ठीक है?
और जिसका ये पर्च ले रही थी ना, अगर तुझसे कोई बोले कि तेरी शक्ल गोबर जैसी है, तू क्या करती है, कि तू फलानी है, कि तू दिखानी है, कि तेरे ये है, तेरा वो है, तो तुझे कैसा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा ना। तो मुझे भी बुरा लगा था कि मैंने जब इस लड़की को बोला नहीं तो इसने मुझ पर रोस्टिंग क्यों की, मुझे इसने पर्सनली टैग की क्यों किया, जबकि मैंने ना तो कभी इसके में कमेंट किया, ना ही मैं कभी इसको जानती थी। मुझे इसकी वीडियो रिकमेंडेड हुई क्यों, क्योंकि इसने मेरा टैग यूज़ किया हुआ, तभी मुझे हुई होंगी, इसने मुझे कुछ बातें बोलने की कोशिश की तब मुझे हुई होंगी, नहीं तो मैं पर्सनली किसी के पास नहीं जाती। अगर मैं अगर किसी को पसंद करती तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं दुनिया को कह दूं कि तुम बुरे हो। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो ये अच्छी बात है कि आपको किसी को पसंद करना है, बट ये आप ये नहीं बोल सकते वो इंसान बुरा है। जैसे अगर मैं अलका दीदी को पसंद करती हूँ तो मैं ये थोड़ा ना कह सकती कि तुम बुरी हो, कि वो बुरी है, वो दो और लोग बुरी हैं। भैया मुझे पसंद करती हूँ, वो मेरी चॉइस है। अब तुम्हें इस चीज़ में भी मिर्ची लग जाए तो इसका मैं क्या कर सकती हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ और, मैंने कभी किसी को धमकी नहीं दी, पर मैं लोगों को इतना बता बता के थक गई, भैया वीडियो देख लिया करो, ये फालतू का, अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए वो बात अलग है, अगर वीडियो आप देखोगे तो अच्छा भला इंसान भी समझ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइज ये तो हो गया पार्ट वन। मैं डेली वीडियोज नहीं बनाती हूँ, पर एक ही वीडियोज में इनके कई पार्ट कर देती हूँ, तो आप पहले इस वीडियो को एंजॉय कर लीजिए, अब नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए।